Tempora tensione. गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो अध्याय इलेक्ट्रिशियन प्रथम वर्ष और फिटर प्रथम वर्ष के लिए अध्याय 9 जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्या, इस अध्याय में हम कार्य पावर और ऊर्जा पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले कि दो वीडियो क्लासेज हमने आपको अपलोड किया है उसमें हमने आपको कार्य और पावर के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया है और वहाँ पर जितने भी उदाहरण के लिए प्रश्न बन सकते थे वो भी समझाया है। आगे भी एक साथ में इस अध्याय पे पूरा आपको नियमित से प्रश्न कराया जाएगा। फिलहाल एक जो है टॉपिक और बच गया है जिसका नाम है ऊर्जा। ऊर्जा की परिभाषा हम देखते हैं तो देखिए ऊर्जा भी एक कार्य ही है। हम कार्य करते हैं तो ऊर्जा लगती है तो इसका मतलब ऊर्जा भी कार्य ही है। अब बात यह थी कि ऊर्जा का जो मात्रक है वो कार्य का ही मात्रक होता है, लेकिन ऊर्जा के लिए एक आपको सूत्रों को याद रखना होता है कि ऊर्जा बराबर होता है पावर गुणे समय, मतलब कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम ऊर्जा बोलते हैं। और इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या बताया कि कार्य करने की दर को पावर कहते हैं। पावर मतलब हिंदी में उसको हम शक्ति बोलते हैं। तो कार्य करने की दर, अगर कोई भी व्यक्ति 24 जूल का काम मान लीजिए कि 6 सेकंड में कर रहा है तो कार्य करने की दर कितने होगी, 24 जूल बटे में 6 सेकंड। तो इसको अगर आप हल करेंगे तो 24 बटा 6 कितना आ जाएगा, 4। तो ये उसका पावर था। लेकिन अब अगर हमें निकालना है ऊर्जा तो पावर में समय का गुणा करेंगे, ठीक है। तो इससे हमें क्या निकलेगा, ऊर्जा निकलेगा। तो ऊर्जा के लिए बस इतना ही है कि ऊर्जा बराबर होता है पावर गुणे समय और ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का मात्रक होता है। अब इसके बाद ऊर्जा के रूप कौन कौन से होते हैं तो आपके ब्लैक बोर्ड स्क्रीन पे मैंने लिखा है कि मैकेनिकल ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, तथा रासायनिक ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा। ये सारे जो ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं जिसमें आपने इनको जो अपने दैनिक जीवन में देखा भी होगा। अब कहने का मतलब ये है कि एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि हमारी जो विद्युतीय ऊर्जा है उसको हम मैकेनिकल ऊर्जा में बदल सकते हैं। कैसे बदला जाता है, विद्युतीय ऊर्जा से आप जैसे फैन चला रहे हैं या कोई मशीन चला रहा है तो आपको वो मैकेनिकल काम हो जा रहा है, विद्युत को आपने किसमें बदल दिया, मैकेनिकल ऊर्जा में बदल दिया। इसी प्रकार से आपको ये कहा जा रहा है कि एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदल दिया जाता है। जैसे रासायनिक ऊर्जा को कई बार हम विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। आपने सेल देखा होगा, सेल से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ले लेते हैं या बैटरी से हम इलेक्ट्रिसिटी ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया, रासायनिक ऊर्जा को हमने विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। एक और उदाहरण है, सौर ऊर्जा को भी हम विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। आजकल सोलर पैनल जो चल रहा है उसमें आपने देखा होगा कि जो सूर्य की रोशनी होती है उसमें विद्युत ऊर्जा होती है। अब उससे क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा को उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो एक प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदल दिया जाता है। अब ऊर्जा के संरक्षण का नियम, अगला जो हमारा हेडिंग है कि ऊर्जा के संरक्षण का नियम। संरक्षण का मतलब क्या होता है, उसका कंजर्वेशन, मतलब कि ऊर्जा हिंदी में कहा जाए तो आपको लिखा गया है कि ऊर्जा का तो सृजन किया जाता है और न ही मिटाया जा सकता है। इसका मतलब ये कि ऊर्जा जो है उसको ना तो बनाया जा सकता है न तो मिटाया जा सकता है, बस किया क्या जा सकता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। जैसे जो सूर्य की ऊर्जा मिल रही है उसको हम क्या कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल दे रहे हैं, फिर विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदल दे रहे हैं। इस प्रकार से ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। अब आपको ये दिखाना है हमें कि ये मान लीजिए एक पेंडुलम है, तो पेंडुलम का ये क्या होता है, मतलब यहाँ पे जो है मिडिल स्थिति होता है। अगर मान लीजिए कि पेंडुलम को थोड़ा सा ऐसा डिस्प्लेस, इसके मतलब साम्यवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दिया जाए तो पेंडुलम अपने साम्यवस्था के आसपास करके दोलनी गति करना आरंभ कर देता है। तो जब पेंडुलम दोलनी गति करता होता है उस समय इसकी ऊर्जा कैसे बदलती है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो जब इस समय पेंडुलम यहाँ पे होगा तो ये यहाँ से आरंभ कर रहा है, इसका मतलब यहाँ से जो भी पेंडुलम में ऊर्जा है वो किसके रूप में है, स्थिति ऊर्जा के रूप में। अब जब यहाँ से छोड़ा जाता है तो ये स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती जाती है। और गतिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि गतिज ऊर्जा के कारण उसमें गति आ रही है। तो पेंडुलम यहाँ पे विरामावस्था में था, गतिज ऊर्जा के कारण मतलब यहाँ की जो स्थिति ऊर्जा थी गति ऊर्जा में कन्वर्ट की बदली और ये धीरे धीरे अपना गति कर रहा है दोलनी गति।
मैंने आपको ये जो पेंडुलम गतिविधि दिखाया है फर्स्ट पॉइंट पे, यहाँ पे देखिए पहले जो पॉइंट हमने बी दिखाया मतलब बिंदु बी, यहाँ पे पेंडुलम की स्थिति में विराम की स्थिति में है। दूसरा जो पॉइंट है इसमें दिखाया है कि पेंडुलम में त्वरण के कारण जो है गति हो रही है, तो ये त्वरण के अधीन गति हो रही है। और जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे जो समयावस्था वाला बिंदु है, यहाँ पे जब दोलनी गति स्टार्ट हो गई है तब तीसरे पॉइंट पे मतलब समयावस्था वाले पे मैक्सिमम इससे जो है गति होती है, मतलब इस वाले बिंदु से सबसे अधिकतम गति होती है। और जैसे इससे ये आगे जाता है इसकी गति फिर घटनी स्टार्ट हो जाती है और जाते जाते यहाँ तक इसकी गति फिर रुक जाती है, फिर यहाँ पे स्थिति ऊर्जा को मिल जाती है, फिर स्थिति ऊर्जा गति ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। तो ये ऊर्जा के कारण जो है ऊर्जा के रूपांतरण के कारण दोलनी गति इसका चलता रहता है। अब फिर जो है चौथा पॉइंट आपको दिखाया गया है कि चौथा पॉइंट में मंदनी स्टार्ट हो गया है और पांचवें पॉइंट पे क्या हो गया है विराम की स्थिति आ गई है। तो ये हमने आपको दिखाया कि ऊर्जा का कैसे रूपांतरण आप दैनिक जीवन में देख सकते हैं कि स्थिति ऊर्जा से गति ऊर्जा में बदला जा रहा है और गति ऊर्जा से स्थिति ऊर्जा में बदल रहा है। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि स्थिति ऊर्जा क्या होता है। आगे का पार्ट आप यहां से देखिए, स्थिति ऊर्जा इसको अंग्रेजी में पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। स्थिति ऊर्जा मुख्य रूप से वस्तु की स्थिति के कारण होता है, मतलब उसकी विरामावस्था के कारण होता है। तो हमने इसकी परिभाषा भी लिखा है कि वस्तु की विरामावस्था के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है एक्स ऊंचाई पर रखी गई है और उसका द्रव्यमान एम है, तो उसके अगर एक्स ऊंचाई पर रखी गई है और उसका द्रव्यमान एम है उसकी स्थिति ऊर्जा कितना होगी एम जी एच। आपको ये सूत्र के तौर पे याद रखना होगा कि अगर कोई भी वस्तु विरामावस्था में रखी गई है और मान लीजिए उसकी ऊंचाई भी दिया गया है उसका द्रव्यमान भी दिया गया है, तो द्रव्यमान में वृद्धि त्वरण का गुणा करना होगा और ऊंचाई का गुणा करना होगा, जिससे आपको वस्तु की पोटेंशियल एनर्जी अर्थात की स्थिति ऊर्जा का पता चल जाता है कि वस्तु की स्थिति ऊर्जा कितनी है। इसको हम डब्ल्यू एच पी कहते हैं। अब डब्ल्यू एच पी कहा जाता है, देखिए स्थिति ऊर्जा जो निकालने का फार्मूला है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वाकर्षण गुणे ऊंचाई। और आपको पता होना चाहिए इससे पीछे वाले चैप्टर में आपको बताया गया था कि द्रव्यमान में गुरुत्वाकर्षण का जो गुणा होता है उसको हम वेट बोलते हैं, भार बोलते हैं। तो mg को क्या बोला जाता है, भार बोला जाता है, और भार को किससे प्रदर्शित करते हैं w से। तो mg की जगह पर w हो गया और h, कुल मिलाकर की स्थिति ऊर्जा को mgh भी लिखा जा सकता है, mgh से भी और wh भी लिखा जा सकता है, और साथ ही साथ fx से भी लिखा जाता है। एफएक्स का मतलब क्या होता है फोर्स, और भार में एक बल ही होता है, तो भार के लिए या बल के लिए, अगर आपको बल दिया है या भार दिया है तो दोनों ही केस में स्थिति ऊर्जा ज्ञात किया जा सकता है। अब इसी चीज को जो मैंने आपको समझाया है इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ डब्ल्यू या भार अथवा बल है, जब वस्तु को गिराया जाता है तो उपयोगी कार्य करने की क्षमता एफएक्स होती है, मतलब जो उसकी स्थिति ऊर्जा है। मान लीजिए कि एक कोई वस्तु है उसको हमने किसी ऊंचाई पे रखा था, तो अगर वो विरामावस्था में है ऊंचाई पे रखी गई है तो उसमें उस समय क्या है स्थिति ऊर्जा है, लेकिन जब उसको छोड़ दिया जाएगा तो वो स्थिति ऊर्जा गति ऊर्जा में बदलने लगती है। उदाहरण क्या है, पावर टैंक में भरा पानी, जैसे पानी ऊपर जो टैंक में भरा होता है उसमें क्या होता है स्थिति ऊर्जा होता है, लेकिन जब पानी गिरता है उसमें क्या वो स्थिति ऊर्जा कितना बदल जाता है गति ऊर्जा में बदल जाता है। अब गति ऊर्जा क्या होता है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने स्थिति ऊर्जा निकालने का फार्मूला, क्योंकि आगे जब आपको असाइनमेंट कराया जाएगा तो ये सब आपको सूत्र की जरूरत पड़ेगी, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वाकर्षण गुणे ऊंचाई, इससे आपका क्या निकल आता है स्थिति ऊर्जा। यहाँ पे गति ऊर्जा देखिए, यदि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान एम है और उसे एफ बल देने पर इसकी स्थिति से आरंभ करके इस दूरी तय करने पर भी वेग प्राप्त कर लेती है। मान लीजिए कोई एक एम द्रव्यमान की वस्तु है और उसको जब बल दे दिया गया तो क्या करेगी, गति करेगी, और बल देने से जब गति स्टार्ट हो गई है तो कुछ दूरी तक जाएगी। तो यही मैंने लिखा है कि यदि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान एम है और उसे उस पर उसे चाहिए या उस पर एफ बल देने पर स्थिर स्थिति से आरंभ करके, स्थिर स्थिति मतलब जब कोई न्यूटन के नियम में बताया गया था कि जब तक बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा वो अपनी स्थिति में ही विद्यमान रहेगी। तो यहाँ पे ये बताया गया कि अगर एम द्रव्यमान की वस्तु है ये
जब बल लगा दिया गया, बल लगाने से गति स्टार्ट हो गई और इस दूरी तक गई है और भी वेग उसने प्राप्त कर लिया है दूरी जाने के बाद, तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो इतने के फलस्वरूप वस्तु द्वारा कार्य कितना होगा? तो कार्य की परिभाषा क्या होती है? बल गुणे विस्थापन, बल गुणे दूरी। तो हमें दिया गया कि मान के एस बल लगाया था और विस्थापन कितना हो गया एस, तो किया गया कार्य कितना हो गया? एफ इंटू एस हो गया। ये हम आपको डेरिवेशन सिखा रहे हैं कैसे जो है गति ऊर्जा का फार्मूला जो हाफ एम बी स्क्वायर आता है उसको आपको याद रखते हैं वो कैसे आता है। तो किया गया कार्य कितना हो गया? बल गुणे दूरी के बराबर हो गया। लेकिन हमें जानते हैं कि न्यूटन के नियम से बल एफ बराबर क्या होता है? एम ए टू ए होता है, मतलब द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो एफ की जगह पे क्या रख देंगे? एम ए रख देंगे। तो अब किया गया कार्य क्या हो गया? एम गुणे ए गुणे एस, जहाँ पे एम क्या है? द्रव्यमान है, ए क्या है? त्वरण है और एस क्या है? दूरी। लेकिन गति का आपको तीसरा समीकरण याद है, तो तीसरे समीकरण में हमने ये बताया था कि वी स्क्वायर, तीसरे समीकरण में ये बताया था कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है। गति का तीसरा समीकरण ये है। अब मैंने आपको बताया कि जो वस्तु है पहले क्या थी? स्थिर स्थिति में थी, उस पर एफ बल लगाया गया था, तो इसका मतलब उसका प्रारंभिक वेग क्या रहा होगा? जीरो रहा होगा। तो यहाँ पे अगर जीरो रखेंगे और जीरो का स्क्वायर करेंगे तो जीरो ही होगा। इससे हमें ये रिजल्ट निकला, ये परिणाम निकला कि वी स्क्वायर बराबर टू ए एस के बराबर आ गया। अब अगर वी स्क्वायर टू ए एस के बराबर है तो ए एस बराबर क्या हो जाएगा? मतलब त्वरण और दूरी के गुणनफल किसके बराबर होगा? वी स्क्वायर बटे टू के बराबर हो जाएगा। तो देखिएगा हम जो यहाँ से कार्य निकाल रहे हैं इसमें ए एस है और ए एस के बराबर क्या आ गया है? वी स्क्वायर बटे टू। तो हम ए एस की जगह पे क्या रख देंगे? वी स्क्वायर बटे टू। तो ए हमने यहाँ पे दिखाया दिए कि ए एस बराबर वी स्क्वायर बटे टू, लेकिन हमने यहाँ पे डायरेक्ट दिखा दिया था। तो ए एस बराबर वी स्क्वायर बटे टू होता है। अब हमने कार्य के लिए ये निकाला था एम गुणे ए गुणे एस, तो ए एस की जगह पे क्या रखेंगे? वी स्क्वायर बटे टू। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा किए गए कार्य के लिए? हाफ एम बी स्क्वायर, और हाफ एम बी स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा निकालने का सूत्र क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस चक्कर में आज आपके लिए इतना ही। क्रम वाइज हम धीरे धीरे आपको पढ़ा रहे हैं ताकि ज़्यादा आप पे लोड ना हो और आपको पढ़ने में भी आनंद आए। तो इस पर आप तैयारी करिए, अगले जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा आपको असाइनमेंट कराया जाएगा।